So, नमस्कार, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम प्रिया अक्षी गुप्ता है. मैं सीआईटी एनसीईआरटी में सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट के पद पे काम कर रही हूँ फॉर लैंग्वेजेस. सो जैसे कि आप आज सभी जुड़े हैं हमारे साथ लैंग्वेज टूल्स के बारे में जानने के लिए. सो टूल पे जाने से पहले पहली चीज, जब हम लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग पे हमारे चार स्किल्स आते हैं. सो एक है लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. और स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज बोलूंगी, प्लीज आप सभी लोग म्यूट पे रहे और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे, मैं लास्ट में लेती रहूंगी. और प्लीज अगर आप चाहे तो अपना वीडियो ऑन करें ताकि हमारा कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन भी जारी रखे बीच बीच में. एंड लास्ट में आपके लिए क्विज भी होगा टू एसेस एंड चेक कि आप सभी कितना ज्यादा इंगेज्ड रह रहे हैं इस सेशन के दौरान. सो स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे लैंग्वेज की. अब हम सभी एक बहुत ही कोविड की महामारी पैंडेमिक इससे हम गुजर के आए हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से, जिस तरीके से हम पढ़ाते थे, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है. इज माई वॉइस फाइन नाउ? आई कैन सी वन चैट. ओके. सो हम जैसे देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में किस तरीके से काफी सारे बदलाव आए हैं जब हम डिजिटल मोड में गए. पहले हमारा ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग चल रहा था, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया. अब क्या हो गया, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा स्मार्ट है. सो उनका कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल पे डिमांड भी ज्यादा है कि किस तरीके से हर एक क्लास इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और फन फिल्ड हो. और आज हम एसआरजी में इसी लगे जुड़े हैं. Yes, sir. Actually, you asked participants to switch on the video. Actually, we are using mobile data. तो इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर ये video on ही रखें तो data consumption कम हो जाएगा. कोई बात नहीं सर, जैसा आपको comfortable लगे. Okay, no worries. Right? So, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि there has been a shift in the way we teach. So, offline से हम online में आए, online से अब हम blended learning पे आए हैं. So, पहले क्या होता था, हमारे जो proper brick and mortar structures हैं. Background में voice आ रही. मैम, जैसे कि मैंने पहले बोला that multiple sessions चल रहे हैं breakout room में. So, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि background noises थोड़ा सा आप bear कीजिए. मैं कोशिश कर रही हूँ कि माइक जितना सामने हो रख के मैं बात करने की ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइज उतना ज्यादा ना आए. रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके. सो राइट. सो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग में क्या था कि लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए हम कैसे सिलेबस के लिए भागते हैं. सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें ये तक नहीं पता होता है कि हमारे क्लास के 40-45 बच्चों में 100% लर्निंग आउटकम अचीव हुआ है कि नहीं. हम क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं उनको, वहीं से जितना हम एसेस कर पाते हैं. और वही है टेक्स्ट बुक मोड ऑफ लर्निंग में भी, कुछ बच्चे कॉम्पिटेंट होते हैं, कुछ थोड़े से शाय होते हैं, थोड़ा हेसिटेंट होते हैं जवाब देने में. सो हम लैंग्वेज टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव हो और हम लैंग्वेज को एक स्किल की तरह ही नहीं, केवल स्किल की तरह ही नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पे भी हम सिखा सके. सो एक इंटरेस्टिंग टर्म है जिसका नाम है एडुटेनमेंट और ये सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी ने यूज किया था 1954 में. और हम एडुटेनमेंट यूज करते हैं एडुकेशनल एंटरटेनमेंट के लिए. सो हमें टूल्स को, जो भी हम टूल यूज करते हैं, उसे ऐसे तरीके से यूज करना चाहिए कि बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे और जो एक्टिविटी वो प्ले कर रहा है या फिर परफॉर्म कर रहा है उसके साथ ही साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, यानी कि एक अपनापन. अपनापन क्यों? क्योंकि हम उनको, जब हम नॉर्मल वर्कशीट देते हैं, बच्चा कभी कभी बोर हो जाता है, बट जब उस चीज को इंटरेस्टिंग वे में हम प्रेजेंट करके उनको देते हैं, बच्चा वैसा ही चीज बार बार मांगता है. और साथ ही साथ जितना टाइम वो बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है, उसी टाइम में उसकी लर्निंग भी हो रही है और बच्चा कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है. सो ऑन दिस नोट मैं अपना स्क्रीन शेयर करके अब आपको क्या टूल हम सीख वाले हैं
उस पे मैं आपको गो थ्रू कराऊंगी. सो आज का टूल जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वर्ड वॉल. और शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी दैट वर्ड वॉल केवल एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल नहीं है लैंग्वेजेस के लिए, लेकिन हम एज लैंग्वेज टीचर्स इसको कस्टमाइज अपने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि असली टॉर्च हमारे पास है, असली पावर हमारे पास है कि हम उन टेम्पलेट्स को किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज करके बच्चों की लैंग्वेज की लर्निंग को एनहांस कर सके. सो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप क्या क्या सीखेंगे? आप लैंग्वेज टूल्स का इम्पोर्टेंस और उसका यूज जानेंगे. आप इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली कॉन्टेंट बना पाएंगे वर्ड वॉल पे, और आप लर्निंग को मजेदार और एंगेजिंग बना पाएंगे. और साथ ही साथ आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट करके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ लैंग्वेजेस को इम्प्रूव कर सकेंगे. अब जब हम लैंग्वेज टूल्स की बात करते हैं, हम नेचुरली कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग को लेके ICT को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं इस चीज की बात करते हैं. सो देखते हैं कि ICT और लैंग्वेज टूल्स टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है और स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट रखता है. सो टीचर्स के लिए ये क्लासरूम डिलीवरी को इन्हांस करता है, आप कैसे पढ़ाते हैं, फिर आपका टीचिंग लर्निंग को मजेदार बनाता है और आपके रिसोर्सेज को एक स्ट्रक्चर देता है और आपके टीचिंग के प्रोसेस में वैरायटी को मोनोटोनस से ब्रेक करके यहाँ पे वैरायटी लाके देता है. स्टूडेंट्स के लिए क्या मायने रखता है? ऑफ कोर्स उनको मास्टर बनाता है, उनको प्रोफिशिएंट बनाता है लैंग्वेजेस में और उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने में मदद करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो डेवलप्स देयर LSRW स्किल्स, जैसे कि पहले ही मैंने शुरुआत में बोला था, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. प्लस ये इनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी इनहांस करता है. कैसे करता है ये जब मैं आपको टेम्पलेट्स का एक ओवरव्यू दूंगी तब आप समझेंगे. अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये वर्ड वॉल है क्या. इसके बारे में तो मैंने इंट्रोड्यूस आपने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा, बट ये है क्या? सो ये एक ऑनलाइन टूल है जिससे आप इंटरैक्टिव गेम्स बना सकते हैं बच्चों के लिए. फिर आप इसके लिए प्रिंटेड मटेरियल बना सकते हैं जिसको आप वर्कशीट की तरह भी यूज कर सकते हैं. इसके तरह तरह के टेम्पलेट्स हैं जिससे आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं और कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका गूगल क्लासरूम हो गया, व्हाट्सएप हो गया. अपने आप ही वो रिसोर्स का QR कोड भी वहीं जनरेट हो जाता है, आपको खुद से कहीं बाहर किसी के साइट में जाके आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है QR कोड. फिर हम तो टूल्स आज यहाँ पे बैठ के सीख रहे हैं ताकि हम बच्चों की जिंदगी को आसान बना सके, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वर्ड वॉल एक ऐसा टूल है जो आप यानी कि टीचर्स का लाइफ को आसान और एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में मदद करता है, टीचर्स की जिंदगी कैसे आसान बनाता है. सो काफी सारे कभी कभी फॉर्मूलाज लग जाते हैं किसी रिसोर्स किसी टूल को क्रिएट करने में. यहाँ क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालते हैं, बाकी सारा मैजिक आपके लिए वर्ड वॉल करके देता है. अब पेडागॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ड वॉल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वर्ड वॉल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या हिंदी या किसी लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये आप अगर किसी और सब्जेक्ट के साथ आप इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहते हैं तो आप वर्ड वॉल को दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि वर्ड वॉल ओपन सोर्स है लेकिन फ्री नहीं है. सो ये आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल है जहाँ पे आपको 5 टेम्पलेट्स फ्री मिलते हैं जिसको आप रीयूज कर सकते हैं. उसके आगे के अगर आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहे तो वो पेड हो जाते हैं. सो जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड वॉल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल विच इंक्लूड मैथ साइंस सोशल साइंस एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस. The tool enables students to apply their critical thinking skills, enhances their vocabulary and inquiry-based learning. Plus, overall quality of teaching को भी improve करता है and it integrates learning with fun with the help of visual representation. इस point का मतलब क्या है? Visual representation. So, आप जब किसी resource या activity बच्चे को present करते हैं naturally वो जितना ज्यादा visually appealing होगा, जितना ज्यादा colorful होगा, मजेदार होगा, games की तरह होगा, बच्चा उतना ही attract होगा. आप सभी को एक real life example देते हैं. सभी के घर में बच्चे या फिर आपके nephew nieces होंगे,
जो अक्सर मोबाइल में गेम्स खेलना काफी पसंद करते हैं, राइट? और मोबाइल ले लिया तो आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है, सीधा प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाके आराम से वो कोई गेम डाउनलोड कर लेते हैं। अब बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता है कि उन्हें कौन सा गेम डाउनलोड करना चाहिए या कोई नाम, वो एक्सप्लोर करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अगर वो गेम सुपर इजी हुआ तो बच्चा बोर होके अगले गेम पे जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ तो बच्चे को लगता है कि अरे ये मेरे लेवल का ही नहीं है, ये नहीं खेलूंगा या खेलूंगा। उसका लेवल वो ऐसे मॉडरेट चूज करता है ताकि वो खुद ब खुद अपने आप के स्कोर को ही चैलेंज कर सके। प्लस अगर उसके विजुअल्स ठीक नहीं है तो भी बच्चा बोर हो जाता है। सो एक गेम का विजुअली अपीलिंग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। प्लस इट इनेबल्स द टीचर्स टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स इफेक्टिवली। वर्ड वॉल भी एक ऐसा फीचर है कि आप जो वर्कशीट या आप जो रिसोर्स आप बच्चे को दे रहे हैं वहां पे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होके आप रिजल्ट्स भी ट्रैक कर सकते हैं। सो जो पेपर्स नोटबुक्स लाके जो कलेक्शन का जो काम है वो भी आपके लिए वर्ड वॉल ही कर देता है। सो मैं जब लाइव डेमो दूंगी आप देखेंगे कितना आसान है ये आपके लिए और आपकी लाइफ कैसे ईजी बना देता है आपके और बच्चों का। सो वर्ड वॉल शुरू करने के लिए हमारा जो वेबसाइट है वो है www.wordwall.net। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइलाइटेड आइकन है वो है साइन अप टू स्टार्ट क्रिएटिंग, राइट? सो साइन अप टू स्टार्ट क्रिएटिंग पे आप जब क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये आइकन आएगा, यानी साइन अप टू अ बेसिक अकाउंट। अब वर्ड वॉल का अकाउंट जेनरेट करने के बजाय आप इजी कोई भी अपना जीमेल का अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। सो जीमेल से यह हमारा सबसे पहला स्टेप है, जीमेल पे साइन कर जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन करके आपका ये पेज खुलेगा। या तो आप क्रिएट एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे और यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस आइकन दैट सेज क्रिएट योर फर्स्ट एक्टिविटी नाउ। यहाँ पे क्लिक करने पे आपको तरह तरह के टेम्पलेट्स नजर आएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कितना सारा कंटेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक टेम्पलेट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप कोई 5 टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। सो मेरे एक्सप्लेनेशन और एक कम्युनिटी टैब है वहां पे एक्सप्लोर करके। एक्सक्यूज मी मैडम, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा, प्लीज। सर जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे सेशंस एक साथ चल रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी ये प्रेजेंटेशन है आप तक पहुंचे। आप प्लीज बेयर कीजिए हमारे साथ इस इनकन्वीनियंस के लिए, दोबारा से मैं अपोलोजाइज करती हूँ। सो जो पहला वाला जो हमारा टेम्पलेट है वो है मैचअप, जो कि एक ड्रैगन ड्रॉप एक्टिविटी है। और लेट्स से आप एक कैटेगरी ये है, दूसरा कैटेगरी ये है, सो ड्रैगन ड्रॉप के तौर पे वो मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी आप बना सकते हैं। दूसरी चीज है मैडम जी, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, क्या ये दिक्कत सारे पार्टिसिपेंट्स को हो रही है? नो मैम, योर वॉइस इज क्वाइट क्लियर। थैंक यू सो मच मैम फॉर द कंफर्मेशन। लाइव डेमो देन यू कैन पैरेलली डू द सेम थिंग विद मी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस एंड द टेम्पलेट। आई विल शेयर वेयर टू एक्सेस। इज इट एक्सेसिबल बाय मोबाइल आल्सो? वर्ड वॉल? Yes, ma'am. It is accessible, but preferably from the laptop. Okay, laptop or a computer for easy access, for easy navigation. Right? All right. So, may I just say a few words? Yes, ma'am. I request all the participants to keep themselves muted. Please don't disturb the resource person because I can see a lot of mics were on when I joined. It's my humble submission. Please be on mute. Raise your hand, she will call your name and then speak. That will be really comfortable for everybody. Thank you. Thank you so much, Monica. Manjeet sir, you have raised your hand. Manjeet sir,
जी मंजीत सर नमस्कार मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि जो जो वर्ड वॉल्व या दूसरे एप्लीकेशंस हैं, क्या ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी हैं या सिर्फ इंग्लिश में हम काम कर सकते हैं? सर हिंदी में क्या बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जब मैं आपको लाइव डेमो दूंगी तब आप वर्ड वॉल्व का मैजिक जानेंगे। बट थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। ऑल राइट, मूविंग ऑन। So, we were on quiz. Quiz का टेम्पलेट यूज होता है एमसीक्यू के फॉर्मेट पे एक्टिविटीज बनाने के लिए। थर्ड जो है रैंडम व्हील है, ये एक स्पिन द व्हील एक्टिविटी के तौर पे आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई जैम सेशन यानी कि जस्ट अ मिनट, या आपको अगर कोई एक्सटेम्परी सेशन रखना है अपने क्लास में, या फिर आपको कोई रीड अलाउड सेशन रखना है, तो ये एक स्टूडेंट एक्टिविटी के जगह ये एक टीचिंग टूल के तौर पर ये यूज होता है। Then missing word is a close activity जहाँ पे आप fill in the blanks set करते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ अपना content place करते हैं, बाकी सिर्फ जो incorrect word है वो select, sorry जो correct answer है उसको select करके आप एक alternate option देते हैं। ये भी एक drag and drop MCQ के format में template है। ग्रुप सॉर्ट एक कैटेगराइजिंग एक्टिविटी है। सपोज आपके पास आपने नाउन्स का कुछ ऑप्शन दिया, आपने कुछ वर्ब्स का ऑप्शन दिया, तो बच्चा नाउन्स का कैटेगरी एक साइड पे करेगा और वर्ब्स का कैटेगराइजेशन एक दूसरे साइड पे करेगा यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। फाइंड द मैच भी एक एमसीक्यू के तरह ही टेम्पलेट है, लेकिन जैसे आपने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन का जो मैच है वो ऐसे जूम इन करके आता है स्क्रीन पे, उसका मैच जल्दी से एक टाइमर होता है, बच्चे को उसका करेक्ट आंसर चूज करना होता है ऑप्शंस में से। देन अनजंबल है जहाँ पे आपके सेंटेंसेस के सारे वर्ड्स जंबल करे हुए होते हैं, बच्चा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सही क्रम में उसको लाता है। आपका काम इसमें क्या होता है, आप सिर्फ सेंटेंसेस देते हैं वर्ड वॉल को, लेट्स से आई एम स्टडिंग और लेट्स से द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस टाइप का सेंटेंसेस है, आप सिर्फ पूरा पूरा सेंटेंस लिखते हैं, सारा जादू वर्ड वॉल करता है और उस पूरे सेंटेंस को वो वर्ड्स को जंबल कर देता है, आपका जो लर्नर है या स्टूडेंट है वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके राइट ऑर्डर में वो प्लेस करता है। मैचिंग पेयर्स जैसे हम अक्सर बचपन में भी खेलते आए हैं, कभी कभी हमारे पास वो टाइल्स के तौर पे होते थे बोर्ड गेम फॉर्मेट में, सो लेट्स से मैचिंग पेयर्स आपके पास सारे फ्लिप्ड फॉर्मेट में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, इमेजेस हो गए, कोई वर्ड हो गया, या फिर कोई भी मैच द फॉलोइंग आप देना चाहते हैं, बच्चा करेक्ट पेयर को चूज करता है, जब तक सारे मैचिंग पेयर्स चूज नहीं हो जाते हैं तब तक ये गेम चलता रहता है। ओपन द बॉक्स भी आपका रैंडम गेम की तरह है, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आप नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे 1 पे कोई ऑप्शन हो गया कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है और वो आप वहाँ पे टैप किया, वो बॉक्स आपके पास जूम इन हो जाता है, क्वेश्चन रिवील हो जाता है, बच्चे को रीड अलाउड या फिर एक्सटेम्परी के तौर पे उसका आंसर देना होता है। आप मतलब आप इसको किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे वर्ड सर्च एक क्रॉसवर्ड पजल है जहाँ आप सिर्फ वर्ड्स का लिस्ट दे देते हैं वर्ड वॉल पे, और वर्ड वॉल आपके लिए उन्हीं वर्ड्स को ऐसे तरीके से जंबल करके अरेंज करता है पूरे वर्ड सर्च में, आपको पूरा वो ग्रिड भी आपको तैयार करना नहीं पड़ता है। रैंडम कार्ड्स भी एक डीलिंग एक्टिविटी पे यूज हो सकता है, बस स्पिन द व्हील पे जहाँ पे आपके ऑप्शंस व्हील पे घूमते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शन जैसे हम ताश के पत्तों को हम शफल करते हैं और एक ताश रिवील करते हैं, ये उसी तरीके से शफल करके आपको ऑप्शंस आपको दिखाता है। लेबल्ड डायग्राम आप इसको इंग्लिश या सॉरी एसएसटी या साइंस पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कोई डायग्राम दे दिया वहां पे पॉइंट मार्क कर दिए और नीचे ऑप्शंस है, तो बच्चा करेक्ट स्पॉट को करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करता है। एनाग्राम, एनाग्राम इज मोर इनटू जंबल्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड, जिससे कोई लंबा वर्ड है, अब बच्चे की स्पेलिंग को एसेस करना चाहते हो, आपने वर्ड दिया तो वर्ड वॉल उस वर्ड के स्पेलिंग्स के सॉरी अल्फाबेट्स को जंबल कर देता है, बच्चा ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन लेटर्स को रीअरेंज करके सही ऑर्डर में देता है। गेम शो क्विज भी एक मल्टीपल चॉइस क्विज के फॉर्मेट में ही टेम्पलेट है, और ये टाइम्ड गेम है, और जैसे प्रॉपर होता है लेवल 1, लेवल 2 उस टाइप के
के तौर पे ये बन जाता है गेम शो इस तरह म्यूजिक बैकग्राउंड में. म्यूजिक खैर हर एक एक्टिविटी में ही है बट इसमें वो थोड़ा सा और एनहांस्ड होता है. फ्लिप टाइल्स भी आपको ओपन द बॉक्स की तरह ही है जहाँ ओपन द बॉक्स में बक्सा खुल के आपके सामने आता है. फ्लिप टाइल्स में वो जो आप सिलेक्ट करते हैं वो रिवर्स होकर ऑप्शन आपके पास आते हैं. यहाँ पे मेज चेयर्स, ये जैसे अगर आपने कभी बचपन में या फिर अपने बच्चों को देखा होगा पैकमैन गेम खेलते हो राइट. सो आप सपोज जो खेल रहा है या खेल रही है वो एक यूजर है, वो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा वो जो भूलभुलैया या मेज है उसके बीचों बीच कहीं आंसर है, तो वो सारे वो मॉन्स्टर्स से वैसे जो खाते हैं उनको पैकमैन में वो मॉन्स्टर से बच के उस आंसर तक उसको पहुंचना होता है जल्दी से वो कीबोर्ड से खेलते खेलते. सो वही मैं बता रही थी कि ये गेमिफाइड लर्निंग है, तो ये गेम्स के तौर पे आप बच्चों को ये एक्टिविटीज दे सकते हैं. ट्रू और फॉल्स, हम बच्चों का फैक्चुअल नॉलेज एसेस करते हैं. और लास्ट में जो इमेज क्विज है जैसे कि आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, एंड इमेज इज रिवील्ड स्लोली बज इन व्हेन यू कैन आंसर द क्वेश्चन. सो लेट्स से आप किसी राइटर का आइडेंटिफिकेशन का क्विज ले रहे हैं. सो सपोज रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो है, वो धीरे 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 रिवील करेगा. जितनी जल्दी बच्चा उसको बजर या बटन पे क्लिक करके सही जवाब दे देता है, जितनी जल्दी देगा उतना ज्यादा उसका स्कोर होगा. सो ये कुछ टेम्पलेट्स थे. सो तीन इजी स्टेप्स है वर्ड वॉल पे रिसोर्सेज क्रिएट करने का. और मैं दोबारा बीच में रिमाइंड यही करना चाहूंगी दैट प्लीज बेयर विद मी, मैं जब लाइव डेमो दूंगी तब आप साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. सबसे पहले आप एक टेम्पलेट चूज करेंगे, अपना कंटेंट डालेंगे, उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे इन एक्टिविटीज को प्ले कर सकते हैं. हर एक जब आप रिसोर्स को क्रिएट करते हैं नीचे आपको थीम्स के ऑप्शंस होते हैं. ये मैं आपको लाइव डेमो में दिखा दूंगी कि हर एक थीम कैसे दिखता है. नीचे जाके आप ऑप्शंस देखेंगे तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं. आपको लेफ्ट सेंटर लेफ्ट अलाइंड चाहिए, सेंटर अलाइंड चाहिए, आपको मार्किंग ऑटोमेटिकली चाहिए या सिर्फ सबमिशन पे आपको चाहिए. एंड ऑफ द गेम में आप आंसर्स देखना चाहते हैं कि नहीं, तो शो आंसर्स पे आप क्लिक करेंगे. डियर पार्टिसिपेंट्स, रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू प्लीज बी ऑन म्यूट क्योंकि बैकग्राउंड आवाज फिर मीटिंग के बीच में और आती है. वैसे ही यहाँ सेशंस चल रहे हैं और डिस्टर्बेंस ताकि ना हो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगी कि प्लीज आप म्यूट पे रहे. थैंक यू. सो आप ये भी शो आंसर्स पे अगर आप टिक करते हैं तो फिर जब बच्चा एक्टिविटी कंप्लीट कर देता है लास्ट में उसको आंसर्स भी दिख जाते हैं. अगर सो कहीं नोट डाउन करना हो प्रैक्टिस के लिए देन आप उसको शेयर कैसे करेंगे. रिसोर्स जब आपका तैयार हो जाता है सिर्फ प्ले बटन सॉरी स्टार्ट बटन आता है, इसके नीचे शेयरिंग का ऑप्शन होता है. ये भी मैं आपको समझाऊंगी लाइव डेमो में. ये सारे ऑप्शंस होते हैं शेयरिंग के, फेसबुक, ट्विटर, गूगल क्लासरूम, मेल, लिंक कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, QR कोड एक्सेट्रा. उसके बाद लीडर बोर्ड भी होता है. लीडर बोर्ड क्या है, बस एक कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन है. लेट्स से मैंने कोई एक्टिविटी आपके साथ शेयर किया, आप सबने अपना नाम एंटर कर दिया तो लीडर बोर्ड पे सबके नाम आ जाएंगे और वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग. अगर किसी ने सपोज पार्टिसिपेंट वन पार्टिसिपेंट टू ने दिया उनकी रैंक वन और टू आई, पार्टिसिपेंट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन ने करा तो वो जैसे जैसे उनका स्कोर बढ़ेगा वो लीडरशिप बोर्ड भी वैसे ही शिफ्ट होता रहता है. आप कब तक रखना चाहते हैं लीडर बोर्ड को ये भी आप अपने एंड से आप चूज कर सकते हैं. जहाँ पे आप बच्चों का रिजल्ट चेक करते हैं उसके लिए हमारे ऊपर टैब होता है माय रिजल्ट्स. ये क्या करता है, आपको पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है जब आप इसको असाइनमेंट के तौर पे सेट करते हैं. सो आपके कितने स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज स्कोर कितना है, टॉप स्कोर किसका आया है, फास्टेस्ट कौन है, फिर पूरा ग्राफ की तरह आपको दिखाता है. Then results by question. यानी suppose कि मेरा question one, question two, ये बच्चे का नाम नहीं है, question का बस nomenclature दिया है. Example के लिए question one, two, three, four, five. हमें पता है question one तीन लोगों ने correct answer दिया, यानी question one easy था. Question two, three और five सिर्फ एक बच्चे ने correct किया है, यानी
कहीं ना कहीं ये इतना मॉडरेट लेवल का नहीं था. सो ये जो रिजल्ट शीट है ये हमको हमारे क्वेश्चन पेपर सेटिंग में हमारे एक्टिविटी सेटिंग का लेवल भी हमें बताता है कि क्या हमने ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया था, क्या हम थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर सकते थे बच्चे के लिए. तो हम भी अपना नेक्स्ट एक्टिविटी जब हम क्रिएट करते हैं हम डिफिकल्टी लेवल का उसी तरीके से कस्टमाइज करते हैं. ये तो था रिजल्ट बाय क्वेश्चन. इसके बाद आप रिजल्ट बाय स्टूडेंट भी देख सकते हैं. लेट्स से ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम है, रैंडम नाम है, MORGUY. कब सबमिट किया, कितने करेक्ट थे, कितना टाइम लगाया. अब हम देख सकते हैं कि जो पहला बच्चा है उसने सिर्फ एक आंसर करेक्ट दिया और उसको ये करने में 24 मिनट्स लग गए. बाकी बच्चों ने आराम से 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में करा है. राइट सो किसी बच्चे ने शायद एक अटेम्प्ट करके छोड़ दिया होगा, किसी बच्चे ने सारे अटेम्प्ट करे हैं और कम से कम टाइम में किए हैं. तो आपको पूरे स्टूडेंट्स के लिस्ट भी ये दे देता है. अब जो मैंने आपको कहा था कि आप टेम्पलेट चूज करने के लिए आप कोई 5 टेम्पलेट जो आप चूज करेंगे, यहाँ पे आपके पास कम्युनिटी टैब है. अपडेटेड जो साइट है वहां पे कम्युनिटी टैब बॉटम ऑफ द साइट पे मिलता है. वहां पे जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्च फॉर पब्लिक एक्टिविटीज. कोई भी टेम्पलेट को आप यहाँ पे सर्च करके उनके सैंपल्स देख सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है. आप इन टेम्पलेट्स को भी फ्रीली यूज कर सकते हैं जो कम्युनिटी में अवेलेबल है और अपने यूज अपने लाभ के अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो चूज द टेम्पलेट्स दैट आर ऑफ अटमोस्ट यूज फॉर योर लर्निंग आउटकम्स एंड सब्जेक्ट. राइट अब कोई स्पेसिफिक टूल हमारे पास लैंग्वेजेस का नहीं है, जैसे मैंने कहा हम कस्टमाइज करते हैं. तो कुछ और चीजें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग को एनहांस करने के लिए वो है एक साइट है gamestolearnenglish.com. इस साइट पे आपको तरह तरह के वोकैबुलरी और फ्रेजेस गेम मिलते हैं. आप यहाँ पे जाएंगे आपका होम पेज जैसे दिखेगा, यहाँ पे आपके सारे टैब्स गेम्स फीचर्स वोकैब फ्रेजेस इसको एक्सप्लोर करके आप तरह तरह के एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. सेकंड है फ्रॉम text-to-speech.com. ये क्या करता है, यहाँ पे जो आप ब्लू कलर का एक बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे सपोज आपने कोई सेंटेंस आपने टाइप किया, उसके बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, वॉइस सिलेक्ट करते हैं मेल या फीमेल, स्पीड सिलेक्ट करते हैं. आप जब इसमें क्रिएट ऑडियो फाइल पे इफ यू क्लिक देन this particular site converts that sentence or that text to speech. So आपने जो लिखा है उसको ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करके आप उसको सुन सकते हैं कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है या करेक्ट वे क्या है उसको बोलने का. ये भी एक तरह का लैंग्वेज टूल हो गया. तीसरी चीज हमारा ई पाठशाला यानी हमारा एनसीईआरटी का इनिशिएटिव. ये एक कॉन्टेंट का खजाना है. कैसे कंटेंट का खजाना है, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ अलाइन करके क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के लिए हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है पीडीएफ के फॉर्मेट में, फ्लिप बुक्स के फॉर्मेट में, सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ई बुक्स के फॉर्मेट में भी है और क्यूआर कोडेड टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी है. फिर एक्टिविटीज है, वर्कशीट्स है, असेसमेंट्स है, प्रैक्टिस सेट्स है, वीडियोस है, पीपीटीज है, लेसन प्लान्स है, लर्निंग रिसोर्स है, टीचर रिसोर्स है. आप अगर यहाँ एक्सप्लोर करेंगे आप मतलब रिवीजन के लिए भी बच्चों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं या फिर आप क्लास में भी प्रोजेक्ट करके पढ़ा सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट इट फॉर ऑल द रिसोर्सेस फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज और लाइव डेमो में जाने से पहले मैं आपको एक बार सारे लिंक्स भी चैट बॉक्स पर आपके साथ शेयर कर दूंगी आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पहला जो मैंने लिंक भेजा है वो है wordwall.net. आज लाइव डेमो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे. सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. Yes, ma'am. It's visible. Great. Thank you so much, ma'am, for the confirmation. So, can anyone tell me कि जब मैंने साइट पे जब मैं साइट पे गई wordwall.net में तो मेरा पहला स्टेप इसके बाद क्या होगा? आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है. Sign up, ma'am. Sign up to start creating. Very good. But क्योंकि मैं already यहाँ पे sign up कर चुकी हूँ Gmail account के साथ, मैं directly login पे मैं क्लिक करूंगी. यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया. सो मैं अपने जीमेल अकाउंट के साथ मैं साइन इन करूंगी और
आज मैं कोशिश करूंगी एटलीस्ट दो या तीन टेम्पलेट, कितना टाइम हमको परमिट करे, दो या तीन टेम्पलेट्स में आपको का डेमोंस्ट्रेशन में दे दूं। सो आप जब साइन इन कर जाएंगे आपका होम पेज इस तरीके से दिखेगा। क्रिएट एक्टिविटी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यही सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। आप डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करके भी ये जो टेम्पलेट्स है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। पहला टेम्पलेट जो मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेट जिसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी वो है अनजप्ड, राइट। सो क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं डायरेक्टली माय एक्टिविटीज पे जाऊंगी। और सो ये तो मैं रिसोर्स से जा रही। जब आप अनजम्बल पे क्लिक करेंगे आपके लिए पास ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे आपके पास एक्टिविटी टाइटल का एक टैब है, एक इंस्ट्रक्शन का टैब है और फ्रेज के ऐसे वन प्लस और डन। आपको इस तरीके का पेज दिखेगा, राइट। सो ये सपोज आपके लिए ब्लैंक है, आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी टाइटल या कोई आपको सेंटेंस है आप बोलेंगे। जैसे मैंने दिया है अनजम्बल्ड वर्ड्स टू फ्रेम लॉजिकली अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी ऑप्शनल है। सो लेट्स से यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक सैंपल सेंटेंस दिया है, ड्रैग एंड ड्रॉप वर्ड्स टू रीअरेंज ईच सेंटेंस इनटू इट्स करेक्ट ऑर्डर। तरीके से भी उसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप द वर्ड्स इन द करेक्ट प्लेसेस। सो हमने एक्टिविटी टाइटल दे दिया, बच्चों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस ताकि उनको क्लियर हो जाए एक इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। अब हम करेंगे सेंटेंसेस ऐड। सो पहला सेंटेंस मैंने ऐड करा है, राम इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर। तो मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि मैम हिंदी में हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें हिंदी में लिखने के लिए हम, क्योंकि हम मास्टर टीचर्स हैं, हम मास्टर ट्रेनर्स बनने जा रहे हैं इस सेशन के बाद, तो हम तरह तरह के हम अलग टूल्स को भी हम यूज करते हैं। हिंदी के लिए हम गूगल इनपुट टूल्स का यूज करेंगे। लेट्स से मैं लिखना चाहती हूँ अपना, यहाँ से मैं हिंदी सिलेक्ट करूंगी और मैंने सपोज मेरा सेंटेंस है नीना पतंग उड़ा मेरा हिंदी सेंटेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे प्लस के साइन में मैं ऐड अ फ्रेज पे क्लिक करके इसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगी। सो मेरा हिंदी सेंटेंस भी हो गया। अब मजे की बात ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही नहीं, ये रीजनल लैंग्वेज फ्रेंडली भी है। कैसे अभी आपको बताती हूँ। आप ऐड अ फ्रेज करेंगे, लेट्स से मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाती हूँ, मैं इंग्लिश के बाद यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ एग्जांपल्स ही लूंगी बिकॉज टाइम कम है कुछ लैंग्वेजेस के ही। सो लेट्स से मैं, वैसे तो आप गूगल ट्रांसलेट में जितने भी लिस्टेड है कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन मैं लूंगी पंजाबी। सपोज मैंने टेक्स्ट ऐड किया, पीकॉक इज डांसिंग इन द रेन। पंजाबी लैंग्वेज में मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट के साथ मेरा ट्रांसलेशन भी हो गया। इसी लैंग्वेज को, इसी सेंटेंस को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ। जी सर, तेजेंद्र सर जी, आपने हैंड रेज किया। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी योर स्क्रीन एज ऑन माय मोबाइल इट इज जस्ट लाइक आइकन टाइप स्क्रीन। हाउ कैन आई एनलार्ज एंड सी द कंटेंट? सर प्लीज ट्राई टू यू नो पिंच इट, पिंच द स्क्रीन एंड सी इफ इट इज एनलार्ज्ड, इट इज गेटिंग एनलार्ज्ड, इफ यू कैन ट्राई दैट। Okay, ma'am. Using your fingers, can you see my screen otherwise? Yeah, I'm able to see your screen, but it is just like an icon. Yeah, a tiny screen. Okay, so what you can do is, आप उसपे finger को tap करके उसको zoom in कर दे, उसको आप toggle करेंगे तो वो zoom in हो जाता है। आप कोशिश करिए अगर काम कर रहा है तो। Okay, ma'am, I'm trying. Thank you, sir. Hope this helps. Right? So we have English, we have Hindi, we have Punjabi. Right? Let us also try Urdu language. मैं दोबारा Google Translate पे जाऊंगी और Urdu select करके मैं अपना sentence change कर देती हूँ। I am
रीडिंग अ बुक. तो मेरा सेंटेंस यहाँ पे उर्दू में भी बन गया. इसको कॉपी करके एड अ फ्रेज करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, राइट. देन एक और सेंटेंस ले लेते हैं. लेट्स से मैंने सेंटेंस बनाया, द सन राइजेस इन द ईस्ट. और इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ. हमारे कॉमन सब लैंग्वेजेस में संस्कृत भी आ जाता है स्कूल्स में, संस्कृत. लेकिन एक जो ग्लिच है इसमें ये है कि क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो वर्ड्स है, वर्ड वॉल केवल तीन वर्ड्स के सेंटेंस ही कैप्चर करता है. लेट्स से मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ इस रेगुलर सेंटेंस को. द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे. सो ठीक है, मेरे चार वर्ड्स बन गए संस्कृत में. अब गूगल ट्रांसलेट का बस एक ही प्रॉब्लम ये हो जाता है, कभी कभी क्या करता है वो लिटरल ट्रांसलेशन कर जाता है. सो रीजनल लैंग्वेज पे हम एक्सपर्ट है. अगर कभी भी आपको लगता है कि नहीं ये करेक्ट क्रम नहीं है या ये वर्ड करेक्ट नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेट या गूगल इनपुट टूल्स में जाके अपने तरीके से कस्टमाइज करके करेक्ट सेंटेंस आप बना के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. मेरी जितनी क्षमता है, जितनी प्रोफिशिएंसी है, मैं कोशिश करके वैसे ही सेंटेंस बना रही हूँ. अगर ये गलत है तो आप लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं इन रीजनल लैंग्वेजेस के, एंड यू विल बी नोइंग बेटर. सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर द सेम. एंड इसको कॉपी करके हमारे पास संस्कृत का सेंटेंस भी हो गया है. एक फॉरेन लैंग्वेज भी अगर मैं लूँ, Je parle français, that is equivalent to I speak French. So, हमारे पास तकरीबन 6 sentences हो गए हैं. आप maximum 50 sentences आप यहाँ पे use कर सकते हैं. So, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले टेम्पलेट चूज किया, अपना कॉन्टेंट ऐड किया. अब लास्ट में मैं क्लिक करूंगी डन पे. डन पे मैं क्लिक करती हूँ, मेरा रिसोर्स तैयार, राइट. अब मुझे अगर चेक करना है कि ये कैसा दिखने में लगेगा, क्या मैंने सही से बनाया है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं, मैं अपनी तरह से भी एक बार एक्टिविटी प्ले करूंगी. आई होप एक्टिविटी का साउंड आप सबको ऑडिबल है, राइट. जस्ट आप स्क्रीन पे थम्स अप दिखा सकते हैं. आई होप इट द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज ऑडिबल ऑफ द एक्टिविटी, राइट. मैं दोबारा प्ले करती हूँ आप. So, ये खच आई होप आपको सुनाई दे रहा है, राइट. सो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ. राम इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर. तो मेरा कैसे टिक, एक पॉजिटिव साउंड भी आ जाता है, बच्चा उससे और अट्रैक्ट हो जाता है. फिर आता है हिंदी, रीना पतंग उड़ा रही है. देन नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है हमारा पंजाबी में. अगर मुझे कोई यहाँ पे हेल्प कर सकता है, ओके. इसके बाद आते हैं हम उर्दू में. या अगर किसी को यहाँ उर्दू प्रोफिशिएंसी है किसी की, कोई अगर मेरी हेल्प कर सके यहाँ पे, कौन सा आ जाएगा? ये मोहम्मद अली, ये लेफ्ट लेफ्ट, ये वाले, ना ना, ओके. ये कहाँ पे आएगा मैम? ये जो दूसरा है ना वो, हाँ. पहले आएगा यहाँ, okay. से यहाँ से यहाँ से, हाँ, okay. ये पहले. उसके ये बाद फोर्थ वन, उसके बाद फोर्थ वन, ओके. मैं क्या ना वापस पहले आप बताऊँ मैम, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है. ये मैम मैम सेकंड वन, हाँ फर्स्ट वन मैम, फर्स्ट वन इज राइट राइट लॉस्ट right यहाँ no, from left you take from left ma'am, okay. यहाँ से ले रही हूँ मैं. second वाला जो है, second हाँ. वाला जो है वो extreme left में ले जाइए, okay. अब ये वाला third वाला जो, okay, third वाला जो है वो extreme right में ले जाइए, right. okay. and अब जो है 1 2 3 4 fourth वाला जो है एक स्टेप राइट पे ले जाइए, एक स्टेप राइट राइट, हाँ, ओके. नाउ थर्ड वन जो है, हाँ, सेकंड एक्सट्रीम सेकंड लास्ट में ले जाइए, ओके.
ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जैसे कि मैंने कहा था सारे लैंग्वेजेस तो नहीं आते लेकिन आप एक्सपर्ट्स हैं. थैंक यू सो मच एंड क्लैप्स फॉर यू. थैंक यू सो मच सर. ओके उसके बाद तो ये भी हो गया और फ्रेंच भी हो गया. सो किस तरीके से पीछे से भी एक रिजॉइसिंग जैसी आवाज आती है जैसे कि पूरी ऑडियंस पूरा वर्ड वॉल आपके लर्नर के लिए खुशी जता रहा है. अब आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक लीडर बोर्ड, शो आंसर्स और स्टार्ट अगेन. सो अगर आप स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट अगेन कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने सेट करा है कि मैं सिर्फ एक ही आंसर में पहला ही मैं एक्सेप्ट करूंगी तो फिर वो बच्चा स्टार्ट अगेन नहीं कर पाएगा, या फिर स्टार्ट अगेन करता है तो वो स्कोर कैप्चर नहीं होगा. शो आंसर्स अगर मैं करना चाहूंगी तो मेरे को सारे आंसर्स सारे दिख जाएंगे पूरे सही क्रम में. लीडर बोर्ड पे अगर मैं टैप करती हूँ, लेट्स से मैं अपना नाम ऐड कर देती हूँ, एंटर कर दिया, सो ये मेरे को दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने ही सिर्फ अकेले खेला है तो मेरा स्कोर और टाइम दिखा देता है. आप भी अगर इसको खेलेंगे तो आपका भी नाम आ जाएगा. शो आंसर्स करूंगी तो मेरे पास सारे मेरे सेंटेंसेस मुझे अपने ऑर्डर में दिख रहेगा. मैं इसको अपने नोटबुक में लिखना चाहूँ, आप लिखवाना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो बच्चा यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकता है, राइट. तो ये तो थी एक्टिविटी की बात. उसके बाद करते हैं शेयरिंग. शेयर कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे जो नीचे शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करा, सबसे पहले तो आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा. आप इसको प्राइवेट रखेंगे तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे, आपको इसे पब्लिश करना ही पड़ेगा. यहाँ पे आप ये मेटा डेटा या टैग्स होते हैं, सब्जेक्ट डाल सकते हैं, टॉपिक डाल सकते हैं, एज बैंड डाल सकते हैं ताकि ये सर्चेबल और हो जाए. पब्लिश करते ही मेरे पास लिंक आ जाता है यहाँ पे. इसको या तो मैं कॉपी करके, सपोज मेरा अभी जूम मीटिंग चल रहा है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, फेसबुक पे शेयर कर दिया यहाँ क्लिक करके, ट्विटर, गूगल क्लासरूम, हाइपरलिंक जनरेट हो गया. और ये जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं आपका सीधा QR कोड यही जेनरेट हो जाता है. आप स्क्रीन से भी आप इसको कॉपी करा सकते हैं, इसका इमेज भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं. वैसे तो बेस्ट यही मेथड है कि आप लिंक कॉपी करके पेस्ट करते. ये थी शेयरिंग की बात. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ थीम्स है, राइट. दिसंबर का महीना है, क्रिसमस आ रहा है, तो वर्ड वॉल एक स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर टाइप का आपको थीम भी दिया हुआ है. ये खेलेंगे तो ये जैसा थोड़ा क्रिसमस थीम में आपके पास पूरा आ जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी जैसे था. थोड़ा सा आपको हैलोवीन के टाइम पे कराना है तो हम इसको थोड़ा स्पूकी इफेक्ट भी दे सकते हैं, बट बच्चे को नहीं डराते हैं, उनको स्पेस और इन सब का विज्ञान का उनको इंटरेस्ट है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर अगर आपको लगता है नहीं चॉक फॉन्ट में चाहिए तो ये ब्लैक बोर्ड है. तो ऐसे तरह तरह के थीम्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट कंटेंट. इसी को आप यूज करके रीयूज करना चाहते हैं अगले सेशन में या अगले क्लास के लिए, एडिट कंटेंट पे क्लिक करके दोबारा वहीं पे इरेज करके आप एक टेम्पलेट चूज करते हैं, उसको आप अनगिनत बार आप यूज कर सकते हैं. सेट असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर नेम इसको सिलेक्ट करेंगे. डेडलाइन अगर आप देना चाहेंगे, टाइम और डेट देंगे, उसके बाद बच्चा नहीं कर पाएगा. यस शीतल मैम, आपने हैंड रेज किया है. शीतल मैम प्लीज रेज योर हाँ. मैम अगर हम इसे एडिट करते हैं जैसे आपने बोला एक ही टेम्पलेट को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं यूज, तो वो पहले वाला लिंक खत्म हो जाएगा. जी मैम, पहले वाला लिंक खत्म हो जाएगा और आपका नया लिंक जनरेट होगा बिकॉज आप दोबारा से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका. मतलब पहले वाली असाइनमेंट तो हमारी फिनिश हो गई ना, खत्म हो गई यानी. हाँ हाँ, वो पहले खत्म हो गई फिर आपकी, पर आपका टेम्पलेट मतलब हमें दोबारा करनी पड़ेगी अगर हमें साइमल्टेनियसली तीन चार असाइनमेंट. जी जी, बट एक टाइम पे आप एक बार ही उसको यूज कर सकते हैं. अब जैसे सपोज आज मैंने 7th A के लिए असाइनमेंट बनाया तो 7th A का ही टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं. 7th A का खत्म हो जाएगा फिर 7th B, उस टाइप का. एक ही टेम्पलेट के आप कॉपीज नहीं बना सकते क्योंकि आप कॉपीज बनाएंगे तो आपके 5 टेम्पलेट आपके वही यूज हो जाएंगे. ओके
राइट, उसी को एडिट करके एक टाइम पे एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा से उसको एडिट करके दोबारा वो नया एक्टिविटी बनेगी. ओके राइट, एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम. मैम जंबल्ड वर्ड में जैसे मैं ये नहीं ले सकती कि एनिमल्स के स्पेलिंग मैंने आगे पीछे कर दिए, उनको अरेंज करो मैम, वो क्योंकि वर्ड्स को ही ले रहे हैं ना, वो एनाग्राम टेम्पलेट है उसके लिए मैम. अच्छा मैम, कौन सा दोबारा बताएंगे? एनाग्राम, ए एन ए एनाग्राम. उसमें स्पेलिंग्स आप एसेस कर सकते हैं बच्चे. जी मैम. उसके बाद जैसे अगर आप शो आंसर्स पे आप क्लिक करते हैं तो एंड ऑफ द एक्टिविटी में आप आंसर्स देख सकते हैं. उसके बाद लीडर बोर्ड अगर आपको रखना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे. अगर आप बच्चों को ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो दोबारा स्टार्ट करें तो फिर आप ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और सीधा आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका असाइनमेंट सेट हो जाएगा. राइट देन, ये तो मैंने आपको समझा दिया था. ये आप एक्टिविटी के अलाइनमेंट को आप चूज कर सकते हैं. यहाँ पे आता है आपका लीडर बोर्ड. राइट, लीडर बोर्ड में क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म आपके सामने किया था तो मेरा नाम यहाँ दिख रहा है. ऑप्शंस पे जाके मुझे ऑन रखना है, अगर ऑफ रखना है तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑन रखना है तो ऑफ कोर्स ऑन ही रहेगा. साइज इसका आपको टॉप 3 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 आप सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको अगर डुप्लीसिटी चाहिए, ऑफ कोर्स हम बेस्ट स्कोर ही हम मायने रखते हैं ताकि एक यूजर का एक ही स्कोर रहे. रिमूव आफ्टर नेवर, वन ईयर, वन मंथ, आपको कब तक इसको रिमूव कराना है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. और जैसे कि अगर मैं चाहूँ इसको मैं क्लियर कर दूँ तो मेरा ये क्लियर हो जाएगा ताकि नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये नए तरीके से इसका लीडर बोर्ड जा सके. तो ये तो था अनजम्बल. राइट, एक और है चूज द करेक्ट वर्ड. सो मैं चाहूंगी. यस मैम, आई एम ट्राइंग टू मेक अ क्विज एंड आई कंप्लीटेड इट बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर व्हाट्सएप. व्हेन आई ओपन इट. Yeah, so sir, you can copy the link and paste it on WhatsApp. You have to copy the link and then paste it on WhatsApp. Okay. Okay, sir. All right. So, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस. So, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक लीडर बोर्ड है. इसको जैसे अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ यहाँ पे. Yes, sir. Hello. Yes, sir, I can hear you. Hello. Yeah. So suppose I copy this link and I paste it on the chat box for you. So I would want you all to click on this activity, perform it, and please select leaderboard and enter your names. And then I'll show you as and when you see your names on the leaderboard. So I'm going to have this open for just 2 minutes. This is just a trial run. Isme sirf do hi sentences hai. Main ek baar dobara aapke liye link paste kar deti hu. Ji. So aapko ek drag and drop activity dikhega. हेलो जी सर. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप प्लीज अगर बेटर नेटवर्क एरिया में जाके. अगर ये जो सेशन है सर थोड़ा हेजी हो रहा है आपकी आवाज, मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी बात समझने को. जी सर आप बताइए. सर आप प्लीज चैट पे लिख दीजिए बिकॉज मुझे आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है. मैं चैट पे देख. थैंक यू. ओके सो जैसा कि मैं देख सक रही हूँ. मैम मोबाइल पे वर्क करेगा ये ऐप? जी सर मोबाइल पे वर्क करेगा. ये ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है मैम. ये जब क्लिक कर रहे हैं लिखती है तो वो उसके नीचे आ नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा उसके उसमें. आई एम यूजिंग माय मोबाइल. ओके नहीं वो ड्रैग एंड ड्रॉप मैम हो जाता है यूजुअली, आप कोशिश कीजिए. सो एनीवे ये बस ट्रायल रन था. मैं देख सकती हूँ कि 6 पार्टिसिपेंट्स मेरे यहाँ पे लीडर बोर्ड पे अपना नाम एंटर कर चुके हैं. उनका स्कोर नजर आ रहा है, उन्होंने कितना टाइम लिया ये नजर आ रहा है.
एंड ऐसे ही आप इसी लीडर बोर्ड का या तो स्क्रीनशॉट या फिर आप ऑनलाइन सॉरी स्मार्ट बोर्ड पे प्रोजेक्ट करके आप दिखा सकते हैं। मैम मैंने भी किया, मेरा नाम क्यों नहीं शो हो रहा है इसमें? मैम क्या आपने लीडर बोर्ड पे अपना नाम ऐड किया था? नहीं मैम नहीं। हाँ जी तो फिर मैम वो तभी आएगा अगर लीडर बोर्ड पे ऐड करते हैं। तो मैं देख सकती हूँ 6 से हम 8 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। ऑल राइट तो मैं जल्दी से आपको दिखा दूंगी कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। राइट सो सेम आप मैम अपना नाम कैसे लिखना था बता। तो ये था आपका मिसिंग वर्ड टेम्पलेट, ओके, जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हम यूज करते हैं। सो अगर मैं यहाँ जाती हूँ, जब मैं टेम्पलेट चूज करती हूँ, एडिट कंटेंट पे जाके लेट्स से मैंने यहाँ पे ये एक ब्लैंक सेंटेंस है, मतलब ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे मैंने अपना सेंटेंस पेस्ट किया, यानी रीना एक पत्र लिखती है। मुझे पता है कि इसका करेक्ट आंसर लिखती इज द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखती पे अपना कर्सर हावर करके डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा इन करेक्ट वर्ड में ये हाईलाइट हो जाता है। अब मेरे को एक ऑप्शन भी देना है इनकरेक्ट वर्ड में। सो लेट्स से मुझे लिखते लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल करके लिखते मैंने टाइप किया और मैं यहाँ पे लिखते डाल के मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन भी मैं डाल दूंगी। सिमिलरली लिसन टू मी केयरफुली मिसिंग वर्ड्स लिसन हियर क्वाइट। आपको अगर 2 लेने हैं सिर्फ तो आप 2 दे सकते हैं। एक और मैंने आपको देना है, इस तरीके से आप ऐड करके दे सकते हैं। दोबारा बताती हूँ, आपने सेंटेंस लिखा जिसको आप ब्लैंक यूज करना चाहते हैं, वहां आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन जेनरेट हो जाएगा। इनकरेक्ट वर्ड्स आप सोच के वहां पे ऑप्शंस दे सकते हैं। डन पे क्लिक करेंगे सो कुछ पार्टिसिपेंट्स का सवाल था कि लीडर बोर्ड पे कैसे हम अपना नाम ऐड करेंगे। जैसे लिखती है देन सबमिट आंसर्स किया, उसके बाद मेरे पास सबसे पहले मैं लीडर बोर्ड पे क्लिक करूंगी। लीडर बोर्ड पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऐसे एक कीपैड आ जाता है, यहाँ पे नाम लिख के एंटर करूंगी तो मेरा लीडर बोर्ड पे मेरा नाम आ जाएगा। राइट सो लेट्स से मैं दोबारा से मैं प्रियाक्षी टाइप कर देती हूँ, एंटर कर दिया तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा स्कोर तो बहुत कम है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारे मास्टर टीचर्स और ट्रेनर्स है और मैं सीधा 5th रैंक पे पहुंच गई हूँ। तो मैं देख सकती हूँ कि हमारे पास कितने ने दिया है। वाओ हमारे पास 19 पार्टिसिपेंट्स काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं मुझे, इन्होंने इस एक्टिविटी को खेला और अपना लीडर बोर्ड पे नाम रखा। तो ये था मिसिंग वर्ड एक्टिविटी। थोड़ा टाइम है, मैं आपको एक और टेम्पलेट में आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी जो की है स्पिन द व्हील। सो स्पिन द व्हील था हमारा ये रैंडम व्हील, सॉरी रैंडम व्हील हमारा ये था 3rd टेम्पलेट है। माय एक्टिविटीज पे जाके लेट्स से सो रैंडम व्हील आप या शीतल मैम, शीतल मैम मैम साउंड ऑटोमेटिकली प्ले होगी, हमें ऐड करनी पड़ेगी मैम? सब वर्ड बॉल पे है, सब वर्ड बॉल करता है, वर्ड बॉल का अपना साउंड है, आपको कुछ नहीं ऐड करना है। ओके सो सपोज इसको मैंने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि अंदर एक इनर सर्कल है और बाहर सर्कल में आपके 3 ऑप्शंस हैं। आई स्पिन इट पे क्लिक करेंगे व्हील स्पिन हो जाता है एंड एक ऑप्शन हाईलाइट होता है। राइट लेकिन ये थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा है, ये भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बट ये व्हील मुझे तो खाली खाली लग रहा है। माई सिटी ऑप्शन है, मुझे नहीं पता कि बच्चे को करना क्या है, तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। राइट सो इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे और मैं बताऊंगी इसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने एक्टिविटी टाइटल दिया है जैम यानी जस्ट अ मिनट सेशन, इंस्ट्रक्शन मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है टेक्स्ट डिस्प्लेड इन सेंटर ऑफ द व्हील। याद है वहां पे एक व्हाइट कलर का ब्लैंक गोल था, वहां पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं ऐड करके लिखूंगी Short speech on the given topic.
ये मेरा इंस्ट्रक्शन होगा. आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ तीन ऑप्शंस दिए हैं, माय सिटी, माय स्कूल, ट्रीज, और ऐड कर सकती हूँ मैं जैसे कि माय फैमिली, राइट. मतलब मैं अप टू 50 ऑप्शंस में दे सकती हूँ. इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आप इमेज का आइकन देख पा रहे होंगे. अगर मैं इमेज पे क्लिक करती हूँ, मैंने कुछ सर्च नहीं किया, मैं सिर्फ इमेज वाले आइकन पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली मेरे पास माय सिटी से रिलेटेड काफी सारे मुझे इमेजेस दिख जाते हैं. मैं थोड़ा और स्क्रॉल करके मेरा अगर मन करे तो मैंने सपोज ये इमेज चूज कर लिया एट रैंडम. ओके, कुछ शायद उसमें एरर आ रहा होगा, सो मैंने ये वाला इमेज ऑल्टरनेट चूज करा. और इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए मैं ऑडियो आइकन पे क्लिक करूंगी. आप देख सकते हैं टेक्स्ट, इंग्लिश, फीमेल वॉइस चूज किया, माय सिटी, ऑडियो भी जनरेट हो गया, राइट. सिमिलरली माय स्कूल में भी, अगर लेट्स से स्कूल का बिल्डिंग ले लिया, मेल वॉइस है, जनरेट कर माय स्कूल, ऑडियो भी जनरेट हो जाता है. ट्रीज में खूब सारे मैंने ट्रीज की कोई इमेज ले ली, ऑडियो भी जनरेट कर दिया. माय फैमिली है, फैमिली में मैम यदि इसका जो ऑडियो है ना वो अदर लैंग्वेज में देना है तो हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ के कैसे होगा सर? ऑडियो इसका इंग्लिश में ही बन सकता है. जी जी जी. और लैंग्वेज वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि उर्दू है, हिंदी है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है इसमें. जैसे कि हम और भी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, आपका वर्ड अगर हिंदी में होगा गूगल ट्रांसलेट या गूगल इनपुट टूल से तो ये हिंदी में भी आपका ऑडियो बन जाएगा. बट हिंदी, उर्दू, फॉरेन लैंग्वेजेस और इंग्लिश के अलावा और कोई नहीं लेगा ये. ओके, सो इसको सपोज माय फैमिली, तो मेरा परिवार वो ऑडियो जनरेट हो जाएगा क्योंकि हमें हिंदी का ऑप्शन था. डन पे हमने अगर क्लिक किया यहाँ पे, अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो आप देख सकते हैं मेरा व्हील थोड़ा सा भरा भरा, थोड़ा सा और एनहांस्ड लग रहा है. सपोज इसको मैं स्पिन करती हूँ, My city. So, मेरे पास स्पीच में इंस्ट्रक्शन भी आ गया, give a short speech on the given topic. जो पॉइंटर जिस ऑप्शन पे रुका है उसी ऑप्शन को मैं ऑडियो में भी मैं सुन पा रही हूँ. अगर आपके पास अपने 50 आपने लिए है ऑप्शंस और आप चाहते हो कि आपके 45 क्लास के बच्चों में कोई ऑप्शन रिपीट ना हो, आप एलिमिनेट का ऑप्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. दोबारा स्पिन करेंगे तो माय सिटी रिपीट नहीं होगा, बाकी तीन ऑप्शंस आप करेंगे, राइट. तो ये था स्पिन द रैंडम व्हील टेम्पलेट. यहाँ पे जैसे ये ट्रीज का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये था स्पिन रैंडम व्हील. मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स काफी एक्टिवली वर्ड वॉल पे रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं. मैं एक छोटा सा क्विज कंडक्ट करूंगी, उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर कुछ रिसोर्सेज को देखना पसंद करूंगी अगर हमारे पास टाइम बचता है तो. थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स, आप इतने एक्टिवली इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. सो यस मैम, अभी तो हम लैंग्वेज पे कर रहे हैं लेकिन बाकी जो मैथ्स वगैरह पे बाकी पार्टिसिपेंट क्या वो रिसोर्सेज भी हमें सिर्फ मेंशन कर सकते हैं, मान लिया ट्रेन नहीं करा पा रहे हैं, बट एट लीस्ट वी शुड नो व्हाट अदर पीपल आर आल्सो डूइंग, राइट. सो मैम, सीआईटी के वेबसाइट पे लास्ट डे पे यानी कि कल या फिर नेक्स्ट वीक तक आपके पास सारी लिंक शेयर हो जाएगी. उसमें आप सारे जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स के सेशंस है इनके रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं. जैसे आपने आज लैंग्वेज चूज किया लेकिन आप एसएसटी का भी देखना चाहते हैं, मैथ्स का भी देखना चाहते हैं, उस वेबसाइट पर आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे मैम. सो आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, बस यही है कि वो रिकॉर्डिंग सेशंस को आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप ये लाइव आप अटेंड कर रहे हैं, बस यही फर्क है. ओके, और सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप joinmyquiz.com पे क्लिक करके, मैं इसका लिंक भी मैं कॉपी करके दे देती हूँ, ये कोड आपको एंटर करके आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है. इसको क्लिक करके इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ. पुष्पेंद्र सर, मिसिंग वर्ड
जो है उसमें सपोज आपने सेंटेंस लिखा लिसन टू मी केयरफुली, सो आप लिसन वर्ड को आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, वहां पर उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका ब्लैंक में जो बच्चा फिल करेगा वो ऑप्शन बन जाएगा, उसके अलावा आप इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछ देंगे। मैं दोबारा दिखा दूंगा, देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, वी हैव 12 पार्टिसिपेंट्स, हम दो मिनट वेट करेंगे। मैम ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा? मैम आप इस joinmyquiz.com पे क्लिक करके आप ये कोड दीजिए, मैं इस कोड को भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ चैट पे, 654470, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। मैम इसके बाद करना क्या है? ये क्विज तो ज्वाइन कर लिया मैम, मैं जब स्टार्ट करूंगी तब आप खेलेंगे हमारे साथ। ओके 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 जल्दी जल्दी जुड़े सभी, 60 पार्टिसिपेंट्स है बट मैं सिर्फ 27 देख पा रही हूँ यहाँ। Explore which one you can present. 33, 20 already, 320. जल्दी से स्टार्ट करेंगे उसके बाद। इसका रिएक्शन भी आ गया, लेट्स गो। 35, 59 participants. मेरा नाम ऊपर आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि इस वॉल को मैं नहीं। मैम आ गए होंगे आप, आप joinmyquiz.com पे जाके आपको ये कोड ऐड करना है। मैम हाँ जी, नाम कैसे लिखना ये बता दें। मैम आप जब स्टार्ट करने से पहले सर वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा एंटर नेम करके, वहीं पे आप अपना नाम ऐड कर दीजिए सर। सो 321 हो चुके हैं, सो पार्टिसिपेंट जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मैं 10 से 15 सेकंड वेट कर सकती हूँ क्योंकि इसको स्टार्ट भी करना है। जी मैम, मैम नाम आ सकता है? मेरा नाम खुद खुद आ गया, आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ मैम आ जाएगा। मंजीत सर सॉरी महेश सर आप ज्वाइन कर पाए क्या? यस मैम, एक तो मैंने लिख दिया किया था लेकिन सर नाम नहीं आ रहा है। ओके सर, इसको मैं आपका ऑलराइट सर 321 हो चुके हैं, मुझे स्टार्ट करना होगा क्विज। ओके लिंक और कोड दिया गया है, सो डियर पार्टिसिपेंट्स आई एम स्टार्टिंग द क्विज एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। Okay, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद क्विज क्लोज कर दिया जाएगा। Okay.
मैम हो गया खत्म कुछ पार्टिसिपेंट आपका अगर हो गया है तो बने रहिए बाकी पार्टिसिपेंट भी अभी कर रहे हैं बस थोड़ी देर में बंद कर देंगे बिकॉज़ टाइम ऑलरेडी आ चुका है गिर गिर के ऊपर यही तो कंपटीशन है मैम मैम थोड़ा और हेल्प चाहिए आपकी जी सर ये एक्चुअली जो आप ये क्विज आप दिखा रहे हैं ना एक्चुअली अंदर का जो पेज आ रहा है वो सिंपल पेज है ओके तो उसमें मैं क्लिक कहाँ करूँ ये बताएं सर आपको स्टार्ट अगर हो गया है आपके वहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपको ब्लैंक पेज दिखेगा अगर आप ज्वाइन कर पाए हैं तो फिर आपको सारे वो क्विज के ऑप्शन दिखेंगे एंड डियर पार्टिसिपेंट्स इट्स ऑलरेडी टाइम आई विल हैव टू क्लोज द क्विज Thank you for participating and it is time to see the results now. So I'll end the quiz here okay. now. Aur dekhte hain winners kaun kaun hai hamare. Great. So Manjeet sir, Urfana ji and Jyoti ma'am. आप थे इस क्विज के विनर्स ये आपके स्कोर्स है फर्स्ट हमारी ज्योति मैम है सेकंड डॉक्टर गुरफाना अमीन जी थर्ड मंजीत सर जी बाकी पूरी लीडर बोर्ड आपको यहाँ दिख रहा है सो दैट्स ग्रेट काफी लोग के कॉमन रैंक्स भी है एंड थैंक यू वंस अगेन डियर पार्टिसिपेंट्स फॉर योर एंगेजिंग पार्टिसिपेशन एंड एक्टिवनेस थ्रू आउट द सेशंस Our breakout room will be closing in another 55 seconds. जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जरूर पॉपअप आ चुका होगा सो हम ब्रेकआउट रूम को लीव करके मेन सेशन में जाएंगे थैंक यू वंस अगेन आई होप यू कैन यू आर एबल टू ब्रिंग जॉय एंड फन इन योर रिस्पेक्टिव क्लासरूम्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड बॉल एंड कीप एक्सप्लोरिंग कीप लर्निंग देयर्स अ लॉट आउट देयर इन वर्ड बॉल यू कैन एक्सप्लोर द अदर टेम्पलेट्स एंड चूज अकॉर्डिंगली थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट Thank you so much, ma'am. All right, so we'll leave the breakout room now and join the main session. Thank you. ओके सो इसमें मैं ये कह रहा था सर अगर आप वापिस आगे हैं कि उसमें फुल स्क्रीन का आइकन अभी नहीं है सो सेम फीडबैक हमने भी ओलैब्स के बालों के साथ शेयर किया है कि
कि वो उसमें आइकन लगा देंगे तो स्क्रीन जो है वो जाम हो जाएगा, आपका वेबसाइट मूव नहीं करेगा, बट टिल देन यू हैव टू वेट सर। टाइम ओवर हो गया सर, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वर शेयरिंग। हां नहीं नहीं मैं इसी ग्रुप में आके ही बोल रहा था, क्योंकि वो भी इधर आगे होंगे ना, सो क्वेश्चन वहां पे चल रहा था। जी सर प्लीज सर बताइएगा, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया था, समझ नहीं आया। हाँ तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ सर, वो सेम फीडबैक हमारा भी है वर्चुअल लैब के लिए, और हमने उनके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि उसमें वो फुल स्क्रीन का आइकन लगा देंगे तो हमारा जो सिमुलेशन का स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको ये इशू नहीं आएगा, बट टिल देन यू हैव टू वेट सर। ओके थैंक यू सर। मैं आपको इसलिए अर्जेंट बेसिस पे बोल रही हूं क्योंकि हम ये एक साइज से ज्यादा ले लेते हैं। कोनिका मैम आपकी तरफ शायद बैकग्राउंड नॉइज है कोई। सो ब्रेकआउट रूम से हम सब लोग वापस आ गए हैं कॉमन रूम में, और थैंक्स ड्राइंग रूम में मैम, ड्राइंग रूम में जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे, हमारे टीम मेंबर्स, आई होप वो ये सेशन आपका ब्रेकआउट वाला बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि मैं सारे ब्रेकआउट रूम्स में गई थी और बहुत ही एनर्जेटिक सेशन चल रहे थे वहां पे, बहुत मजा आ रहा था मुझे, तो आप लोग को भी आया ही होगा जरूर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम चाय के लिए थोड़ी सी देर के लिए अलग होंगे, हम शाम की चाय लेंगे 10 मिनट के बाद, फिर हम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन में के लिए, और इस सेशन का टाइटल है इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट। तो सब लोग मिलते हैं 10 मिनट के बाद आफ्टर टी ब्रेक। थैंक यू मैम, वन अनाउंसमेंट प्लीज, अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन बिटवीन दैट। फर्स्ट तो मैं आ गया हूं, मैंने तो कर दिया अटेंडेंस। थैंक यू, वी शुड लीव द मीटिंग राइट डॉक्टर गुलशन? यस मैम। मैम यू कैन जॉइन फॉर द टी आल्सो। ओके यस थैंक यू यशपाल सर, आप भी। थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, लिंक शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में। थैंक यू सर। ओके निशा मैम, मॉर्निंग की अटेंडेंस क्लोज हो चुकी है, मैंने इवनिंग की अटेंडेंस लिंक पोस्ट किया है, आप उसमें मार्क कीजिए। सर कुछ ऐसा है कि पता चल जाएगी हमारी नोट हो गई है अटेंडेंस? सर आपके जो आपका ईमेल पे एक कॉपी रिस्पांस जाता है, जब आप सबमिट करते हैं तो ये आपके ईमेल पे एक रिस्पांस चला जाता है कि आपने अटेंडेंस फिल कर ली। सर फिर मॉर्निंग के अटेंडेंस का कैसे रहेगा? आपको मॉर्निंग में शेयर किया था, कई बार शेयर किया था चैट बॉक्स में, पर वो लिंक स्किप हो गया मेरे से। मैम अब वो क्लोज हो चुका है, टीम उसको रीओपन तो अब नहीं कर सकती क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मॉर्निंग इवनिंग के अटेंडेंस में। मैंने वो कैपिटल लेटर में नाम नहीं लिखा था, डिफरेंस इन अटेंडेंस फॉर्म लिखा हुआ ना कैपिटल लेटर्स में लिखिए। मैं कंप्लीटली सुन नहीं पाया आपको, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। सो देयर इज नॉइज फ्रॉम समबडीज माइक। एक्चुअली आई एम सेइंग कि पहले जो दो दिन थे इनिशियली वो मैंने कैपिटल लेटर में नाम नहीं लिखा, पर जो अभी अटेंडेंस लिंक आ रहा है उसमें मेंशन है कैपिटल लेटर्स, मैंने उसको पहले ध्यान नहीं दिया था। डस दैट मेक द डिफरेंस? नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। सर फिर मॉर्निंग अटेंडेंस का लिंक शेयर हो सकता है, पर्सनली सेंड कर दीजिए अगर कंफ्यूजन होता है इवनिंग अटेंडेंस के साथ। मैम कोई मॉर्निंग का लिंक शेयर नहीं होगा अगर आप मार्क नहीं कर पाए हैं, सो यू विल बी कंसीडर्ड एब्सेंट। लेकिन मैम हमने मैंने मैम सेमिनार तो अटेंड किया ही था। मैम इन केस अगर हो गए तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट से हम वेरीफाई कर लेंगे।
क्योंकि वो जो लिंक शेयर हुआ वो 11 o'clock के आसपास शेयर हुआ है उस टाइम। जी हाँ मैम, हमारा टाइमिंग फर्स्ट सेशन के एंड के आसपास रहता है मॉर्निंग का। हाँ वही वही, उसी टाइम आप लोग अटेंटिव रहा कीजिए। अगर आप सेशन में है तो आप लोगों को कई बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग शेयर करते हैं लिंक्स, और काफी देर तकरीबन 1 घंटे के लिए ओपन रहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, और आज की लेकिन मेरे से मिस हो गई अटेंडेंस। ओके मैम, अगर एस इन सच आप स्क्रीनशॉट्स में हम देख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है।